अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निगम मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। और स्पोर्ट्स टाइम में आज थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे रेसलिंग पे, और रेसलिंग में भी मेरे पास आज बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रेसलिंग वैसे ही बहुत कम जो है उसको पज़ीराए मिल रही है। देखते बहुत हैं लोग और सीखते बहुत हैं, शौक़ बहुत है लोगों को खेलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो रिंग में बहुत कम जा रहे हैं और अपने ब्रांड को, पाकिस्तान ब्रांड को बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी की जो फीमेल हैं, विमेन जो हैं, वो इस स्पोर्ट्स में कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं, उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। सबसे पहले आज हमारी जो मेन जो गेस्ट हैं इस शो की, उनका सबसे पहले आपसे तारुफ करवाता चलूं। एना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेसलर हैं। और एना कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगी रेसलिंग के बारे में कि किस तरीके से कहते हैं जस्तजू हुई, किस तरीके से लगा कि यार ये मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए? रेसलिंग बेसिकली फीमेल्स के लिए तो मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन जस्तजू इस तरह से हुई कि जब हम अराउंड देखते हैं कि उनकी कोई सेफ्टी नहीं है फीमेल्स के लिए, और जगह जगह पे हो रहा होता है, लड़कियों की अपनी भी कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो वो देखते देखते शौक चढ़ा। फिर कुछ रेसलिंग की चीज़ें हम लोग वैसे भी देखते हैं, तो वो बस वहाँ से थोड़ा थोड़ा शुरू होते होते वो बचपन से चल रहा था, तो अब जाके वो इस एज में जाके निकला है कि मैंने सोचा कि इस चीज़ को आगे परस्यू किया जाए। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जॉर्डन हुर। जॉर्डन हमारे बहुत ही अजीज़ और बहुत अच्छे इंसान दोस्त। जॉर्डन भाई, सबसे पहले तो खुश आमदीद, और उसके अलावा क्या चल रहा है आजकल? फिर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल रेसलर, जो मेरा करियर है उसमें रेसलिंग ही चल रही है, रेसलिंग से रिलेटेड ही कुछ होता है, चाहे वो ट्रेनिंग्स हों या अपने के पर्सनल स्केड्यूल्स हों, उसमें कहीं ना कहीं रेसलिंग जो है वो कनेक्ट रहती है। बिल्कुल। और जॉर्डन जो है वो अभी कुछ टाइम पहले जो है वो बड़ी खतरनाक इंजरी का शिकार हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स ने तो इनको मना कर दिया कि आप ये छोड़ दें स्पोर्ट, लेकिन ये नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों, क्या वजह है, और क्या हम कोई अब ऐसा मैच भी देखेंगे जो डू एंड डाई होगा? देखिए, डॉक्टर्स तो ब्रूस ली को भी एक एज में मना कर चुके थे कि वो नहीं कर सकता, लेकिन ब्रूस ली ने भी अपने आप को कहने को प्रूव किया, और बहुत सारे। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो अपने फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है, वो समटाइम मेडिसिन से ज़्यादा काम करती हैं आपकी बॉडी के लिए। तो मैं एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और बहुत जल्द जो है मैं कमबैक भी करूँगा। ऑब्वियसली ब्रेक आते हैं, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं ब्रेक लेना पड़ता है आपको, तो मैंने भी एक ब्रेक लिया एक्चुअली, और बहुत जल्द मैं किसी धुआंधार एंट्री के साथ कमबैक करूँगा। हमने ऐसा सुना है कि आप लास्ट मैच अपना प्लान कर रहे हैं, डेथ का डेथ मैच, ये इसमें कितनी सदाकत है? आपके रिसोर्सेस को मैं सलाम पेश करता हूँ। और हाँ, चलें, अब आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इससे पहले भी हार्डकोर के काफ़ी सारे डिफरेंट स्टिपुलेशंस में खेल चुका हूँ, पाकिस्तान में यूं कह लीजिए कि इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, जिसमें कैस्केट मैच हो, बरेडा लाइव मैच हो, लास्ट मैन स्टैंडिंग हो, आई क्विट हो, डिफरेंट टाइप्स जो है मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। लेकिन अब हो सकता है कि मैं डेथ मैच जो है यहाँ पे करूँ। डेथ मैच, जो लोग रेसलिंग को जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे, बिल्कुल, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं बता देता हूँ कि डेथ मैच एक बिल्कुल ही जो बिल्कुल फाइनल जो डेस्टिनेशन होती है किसी भी हार्डकोर रेसलिंग की, वो होती है। तो डेथ से आप अंदाज़ा लगा लें, इंशाल्लाह मैं वो परफॉर्म करने का प्लान कर रहा हूँ अगेंस्ट मेरा पुराना एक राइवल है कोवू ब्रैंडन, और देखें बहुत जल्द उसकी डेट्स वगैरह अनाउंस होंगी। ठीक है। और डेथ मैच में कोई गारंटी नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं है, जिंदगी भी नहीं है उसमें, तो कंफर्म तो कुछ भी नहीं है। फिर डेथ आ गई तो फिर तो आगे कुछ भी नहीं है ना, मर गया तो फिर क्या उसके आगे फिर? परफेक्ट, परफेक्ट। चलें इंशाल्लाह ये मैच देखने आपका जरूर आऊंगा मैं, और कोशिश करता हूँ कि एक अच्छी फाइट हो और लोगों को एंटरटेन मिले। और इसके साथ साथ वुमेन इस स्पोर्ट्स में क्या कहते हैं किस हद तक आ सकती हैं, और आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जो है ये पाकिस्तानी रेसलिंग जो है समझ लें आप लोग ही चला रहे हैं, आप दो तीन बड़े नाम हैं, और क्योंकि आप लोगों से जाहिर सी बात है लोग सीखते हैं, लोग आप लोगों तक अप्रोच करते हैं, पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस प्रोफेशनल को अपनाने के लिए, तो वुमेन इसमें किस तरीके से अपना पार्ट प्ले कर सकती हैं? आपके पास क्यूरीज आती हैं वुमेन्स की कि हम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो फिर ऑब्स्टेकल क्या आते हैं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं आ सकती हैं वो?
देखिए डेली बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट जो है मैसेजेस रिसीव होते हैं, चाहे वो बॉयज़ की तरफ से हों या गर्ल्स की तरफ से हों रिलेटेड टू जॉइनिंग द प्रोफेशनल रेसलिंग। लेकिन बॉयज़ में तो ये होता है कि वो कुछ ना कुछ करके एक दो दिन के लिए आ भी जाते हैं, वो अलग बात है कि वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते तो बैक ऑफ हो जाते हैं या उनको कोई और इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रिंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जहाँ तक फीमेल्स की बात है, फीमेल्स में बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, बहुत पैशनेट होती हैं, अग्रेशन होता है, कुछ करने का एक उनके अंदर एक जुनून होता है, जिस तरह से दूसरे जो है मतलब गर्ल्स हैं क्रिकेट खेल रही हैं, स्नूकर खेल रही है, बैडमिंटन टेबल टेनिस, उसमें वो अपना नाम बनना है। इसी तरह से रेसलिंग भी शौक होता है लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियाँ, लेकिन वो बेचारी उनको इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने जो उनका जो ड्रीम होता है उसको वो परसू नहीं कर पाती हैं। समटाइम उनको इश्यूज़ आते हैं फैमिली की तरफ से, समटाइम सोसाइटी की तरफ से, और सम टाइम उनका ये होता है कि जो सराउंडिंग्स में होता है कि ओपोनेंट कौन है, क्योंकि रिंग में हम फीमेल के लिए मतलब फीमेल्स के लिए इतना इजी नहीं है इंटरजेंडर मैच करना अभी पाकिस्तान में जो करंट सिनेरियो है, तो उनको यही होता है कि फर्स्ट कोई ओपोनेंट होना चाहिए उनके लिए, फीमेल है तो फीमेल ही ओपोनेंट होना चाहिए। तो इस वजह से भी कुछ इसको हम कंटिन्यू मतलब मेक ओवर नहीं कर पाए अभी तक। गर्ल्स के लिए बहुत सारे हर्डल्स हैं, लेकिन ये है कि जो मैंने देखा है शौक है, बहुत एनर्जी है फीमेल्स में, बहुत पोटेंशियल है करने के लिए। एक आपके पास एग्जांपल, एक तो अभी ऐना बैठी हुई है, ऐना का भी ऐसे ही था, ऐना भी डिफरेंट गेम्स खेल चुकी हैं अपनी, लेकिन एक होता है हर एक डायलॉग था ना एक फिल्म में कि वो उसको किक नहीं मिली, तो एक होता है हर इंसान के अंदर एक फायर होती है, वो उसमें सेटिस्फेक्शन उसको उसी चीज़ में मिलती है जब जो उसको शौक होता है वो उसी को, यानी कि पैशन को प्रोफेशन बनाने वाली बात। ठीक ठीक है, तो फीमेल्स की तरफ से ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक ठीक है, ये एक ये समझ लीजिए एक हम दे रहे हैं एग्जांपल फीमेल्स को, पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं, कि इनको देखें, जब ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। बिल्कुल, व्हाई नॉट। खैर ये तो हम बिल्कुल ही सोसाइटी हमारी एक दूसरी जगह चल जाती है, देयर इज नथिंग के वुमेन कुछ नहीं कर सकती, वुमेन भी सब चीज़ें कर सकती हैं। तो सबसे है ना आपसे ही रेसलिंग को जब आपने देखा और सोचा कि चलें अब इसको एज अ प्रोफेशनल हम अपनाते हैं, मैं अपनाती हूँ, तो आपको क्या लगता है क्या हर्डल्स शुरू में आपको आई? अगर कोई दूसरी फीमेल या लड़की भी अपनाना चाहे तो वो उससे आपको देख के वो सीख ले के ये चीज़ें इग्नोर करनी है? सबसे पहले तो ये इग्नोर करना पड़ता है कि कोई आपको देख रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, क्योंकि हम नॉर्मली टिपिकल सारी लड़कियां जो होती हैं उनका कितनी भी मॉडर्न हो सबका फैमिली बैकग्राउंड तकरीबन सेम होता है, लड़कियां नहीं कर सकती। आपने बस शादी करनी है, आपने बस पढ़ाई करनी है, आपने बच्चों को देखना है, आपने लाइक अपने घर को देखना है, आप इज्जत हैं, आप अबाए के बगैर नहीं जा सकती, नॉर्मली टिपिकल ये होता है। अब रेसलिंग बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, इसमें आपको आप एक बाहया होके भी आ सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन अबाया पहन के तो नहीं आ सकते ना। ठीक है, सबसे बड़ा तो ये क्लोथिंग का इश्यू और ये सारे हो जाता है, लेकिन अगर आपने ठान ली है तो सबसे बड़ी ये होती है कि अपने पेरेंट्स की सपोर्ट, अपनी फैमिली की सपोर्ट, जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दुनिया में कोई मतलब मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है कि मैंने जो सोचा हो और मेरे पेरेंट्स ने मना किया हो या मेरे भाइयों ने मना किया हो या आगे किसी ने भी मना किया। और उसके बाद है ट्रस्ट, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या हमारा कोई कोच है तो उसके साथ हमारी बॉन्डिंग है तो वो हमारी फैमिलीज़ की भी बॉन्डिंग हो। मतलब सबसे बड़ा ये होता है कि आप अगर अपनी बेटी को भेज रहे हैं कहीं पर तो वो उनको होता है कि सामने वाला कैसा है, उसके साथ हमारा कैसा बिहेवियर है उसका, हमारी बेटी सेफ तो है। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर किसी भी लड़की को ये सब चीज़ें मिलती हैं देन वो जाएगी। और दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ, कि किसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। लड़कियां होती हैं नाजुक, लेकिन लड़कियां नाजुक नहीं होती, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियां ही होती हैं। जब एक लड़की माँ बन सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें कर रही होती है। तो हम क्यों कहते हैं कि लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग हैं, लड़के आदमी तो नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस वो 9 to 5 की जॉब्स हो गई हैं कोई इस तरह की चीज़, लेकिन लड़कियों की तो ड्यूटीज़ कभी एंड होती ही नहीं है। तो अगर कोई लड़की आना चाहती है इस फील्ड में तो सेफ है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कितना ट्रेनिंग कर रही हैं, क्योंकि आई गेस ये आपको फील्ड ज्वाइन करे हुए मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, कितना ट्रेनिंग कर रही हैं, कितनी हार्ड है, कितनी ईजी है ये प्रोफेशनल रेसलिंग का? मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे ऑलमोस्ट 3 months हो रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग तो टफ है, लगती तो है, चोट तो लगती है, इंजरीज भी होती हैं, लेकिन जब आपको एक मोटिवेशन मिलती है नहीं मैंने करना है, जब आपके अंदर दिमाग में एक चीज़ होती है ना नहीं मैंने ये करना है, तो फिर आप वो कर जाते हो।
और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो लाइक अभी तो खैर रमज़ान है, लेकिन यूजुअली हमारी 3 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद घर पे भी वर्कआउट होता है, तो वो चलता रहता है साथ साथ, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, क्योंकि घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं, चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस ये होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक ना पड़े। ठीक। अच्छा जतिन भाई, इसके साथ साथ रेसलिंग जिस तरीके से पाकिस्तान में चल रही है और आप लोग जिस तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं, आप कुछ ही लोग हैं, क्या लगता है क्या चीज़ें ऐसी और होनी चाहिए जो थोड़ा सा रेसलिंग को बूस्ट मिले पाकिस्तान में? रेसलिंग अभी काफ़ी स्लो प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन कर रही है। ठीक। और अभी काफ़ी हद तक जो है हमें कुछ ऐसे इदारे हैं, इदारे का नहीं या प्राइवेट सेक्टर्स के कुछ ग्रुप्स हैं जो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड वेंचर हो गया, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हो गई। वो तो हमें जो बेसिकली जो अभी जो नीड है, देखें अब स्किल्ड तो हम सारे ही हैं, रेसलिंग को हमें पता है, अब हम जब हम सिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ बन चुके हैं, इंटरनेशनल खेल लिया, इंटरनेशनल्स को यहाँ बुला लिया, रेसलिंग को तो सब कुछ कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए बड़े शोज़। बड़े शोज़ के लिए हमें बड़े जो कुछ जॉइंट्स ऐसे चाहिए होंगे जो PSL पे जो 80-80 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो रेसलिंग पे भी कुछ थोड़ा बहुत कर लें, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा है, रेवेन्यू जनरेट होगा इंटरनेशनल लेवल पे, हमें जो डॉलर्स की कमी है वो डॉलर्स की कमी इससे भी पूरी हो सकती है। ये इंटरनेशनल गेम है, इसको अगर करेंगे तो प्रोग्रेस कंट्री को भी होगा, सबको फ़ायदा होगा, ये हमारा फ़ायदा नहीं है, हम तो रिंग में कर रहे हैं, हम तो 10 साल हो गए करते हुए, लेकिन और हमारे तो नाम बाहर चलेगा, हम तो बाहर चले जाएंगे, वहाँ से डॉलर्स जेब में रखेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे खुले करा के यह है गुजारा कर लेंगे, लेकिन इससे कंट्री को थोड़ी को फायदा है, कंट्री को तो सिर्फ एक नाम जा रहा है कि हाँ ये पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, दैट्स ऑल। अच्छा, को ऐसा रेसलिंग कंपटीशन जो आपको लगता हो यार ये बड़ा अच्छा है, ये आप देखती भी होंगी जाहिर सी बात है, तो आपको लगता हो क्या कंपटीशन या नहीं, वैसे? नहीं, वैसे ही नॉर्मली रेसलिंग जैसे कि कोई 1-to-1 मैच होता है या क्या कहते हैं रॉयल रंबल टाइप का होता है, ऐसा कोई मैंने इतना मतलब देखा है, लेकिन इतना मतलब मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे पाकिस्तानी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ जो हकीकत है, तो मैंने जॉर्डन को देखा था, तो मेरे मतलब लाइक फेवरेट भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरा लक ऐसा है कि मैं जॉर्डन की मतलब स्टूडेंट बनी हूँ, बाकी सारी चीज़ें क्योंकि बाहर का तो उनका तो सिनेरियो ही चेंज होता है, तो लेकिन जो पाकिस्तान में मैंने देखा है तो वो मैं जॉर्डन। सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगा, मैं तो आपको भी याद होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार हमने बाहर की रेसलिंग तो बहुत देख ली, इनफैक्ट जब ये थी तो इनका भी यही थोड़ा सा एक था कि मैं वो कैसे करता, मैंने कहा उनको भूल लो, इनको मैंने देखा है पाकिस्तानी रेसलिंग, पाकिस्तानी इवेंट्स, पाकिस्तानी रेसलर्स, और जो एक जो फ्लेवर जो पाकिस्तानी है वो मैंने इनके अंदर डालने की कोशिश की कि ये पाकिस्तानी थीम के ऊपर काम करें। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए, और इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तानी रेसलर्स ही होंगे तो आपको याद होगा, तो इनमें ही कोई फेवरेट रेसलर आपका? जॉर्डन है और एक कुहू बैंडन भी है। अच्छा, जो मुझे अच्छा, काफी पसंद है। वही लिए हैं आपने जो नहीं मुझे बेसिकली जो है मेरी मुझे थोड़ा सा ये होता है कि मुझे इन दोनों की फाइटिंग मतलब अच्छी है, मुझे उसके अलावा कोई मतलब लगता नहीं है कि मेरे लिहाज से मुझे ये दोनों ही पसंद है, और इसकी कुछ स्टाइल्स हैं, कुछ मूव्स हैं जो अब वो वैसे एक वैसे ही नॉर्मल सी बात, जब दोनों पसंद है अगर दोनों का मैच होता है तो सपोर्ट किसको करती हैं? जॉर्डन को, मेरे मतलब टीचर हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने टीचर के साथ ही करूंगी, मतलब बेस्ट लाइक जॉर्डन ही है, वो भी अच्छा है रेसलर पाकिस्तान के मतलब रेसलिंग के हिसाब से, क्योंकि मैंने तकरीबन सबको ही देखा, लेकिन मुझे कोई इतना कोई वो नहीं होता, मुझे लगता है क्या कोई चीज़ एक इंसान के अंदर होता है, एक्सप्रेशन होता है, किसी चीज़ को लेकर प्रोफेशनलिज्म होता है, तो वो एक चीज़ नज़र आती है, मोस्टली लोगों में नजर नहीं आती वो बस। ठीक। अच्छा जुड़न भाई, इसके साथ साथ जब हम रेसलिंग पे ही बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको रेसलिंग के साथ थोड़ी अगर एसोसिएट किया जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम PSL वगैरह देखते हैं तो एक बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, और फिर इतने बड़े बड़े ब्रांड उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, TV पे आके वर्ल्ड एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि रेसलिंग के साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी एसोसिएट किए जाएं जो आपको लगता हो कि यार इससे थोड़ा सा इसको बूस्ट मिलेगा? हमें जो है अच्छी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट है, अच्छे प्रेमिसेस की, जैसे हमने एक दफ़ा ट्राई किया था नेशनल स्टेडियम का तो हमें वहाँ का परमिशन नहीं मिला था, तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ है, अगर हमें अच्छी लोकेशंस ईजिली मिल जाएँ तो सारे अरेंजमेंट्स भले हम करेंगे, लेकिन हमें लोकेशंस अच्छी मिलनी चाहिए, जो स्टेडियम्स हैं या बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पे क्राउड आ सके, ईजिली आ सके, क्योंकि अभी तक जो हम करते हैं वो हम एक तरह से हमारी अपनी कन्वीनियंस की जगह होती है, बिल्कुल ईजी जो हमें मिल गया चलो आज यहाँ कर लेना है, देखिए क्राउड
दो घंटे की ट्रैवलिंग करके आने में उसको बड़ा मसला होता है, लोग आने में परेशान होते हैं ट्रैफिक इतना, तो हमें कोई ऐसा स्पॉट लाजमी चाहिए होता है, अभी भी चाहिए, जो ऐसा मिड सिटी हो या ऐसी जहाँ पे ये 3 से 4 एंट्रेंसेज हो, रस्ते आते हों, लोग इजीली आएँ, जहाँ पे अगर हम मार्केटिंग करें तो लोगों को नज़र भी आए। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ है ना आपसे भी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप कराची में, तो मैंने अभी तक यही देखा है कि आप ही हैं एक पहली फीमेल रेसलर पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि हैं या नहीं, तो अगर यहाँ पे, क्योंकि मैं इन लोगों को देखता हूँ ये लोग रेसलिंग कंपटीशन करवाते रहते हैं, अब आने वाले कुछ दिन में अगर रेसलिंग कंपटीशन होता है तो आपके पास तो मेरे ख्याल से अपोनेंट कोई होगा नहीं, तो उसका क्या तरीकेकार आपने ढूंढा है, कैसे लड़ेंगी किसी से आप? फिलहाल तो मैंने कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं वो कहती हूँ कि अगर कोई करना चाहता है तो वो आए, आके फेस टू फेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन कितना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ मोटिवेट होके आए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर कोई और मिसाल के तौर पर किसी और बॉक्सिंग कंपटीशन से या किसी और कॉम्बैट फाइटिंग गेम से कोई आना चाहे, बिल्कुल आए, बिल्कुल जो मुझे फेस करना चाहे वो बिल्कुल आए, आई एम रेडी, वो भले बॉक्सिंग से हो, किक बॉक्सिंग से हो, बिल्कुल जब आएगा आके देखेंगे, ट्रेनिंग देखेंगे हमारी, पर हमारे साथ। अच्छा, आप चैलेंज ओपन है किसी के लिए? बिल्कुल, फीमेल के लिए। फीमेल के, तो ये एक होना भी चाहिए जिस तरीके से आपने कहा था, क्या कहते हैं, ओपन चैलेंज है, और आई गेस मेरे ख्याल से वो चैलेंज किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यार मैं एमएफए वालों को फिर दोबारा एक दफ़ा हाय बोलूँगा कि मैं हमेशा हाय करके आता हूँ, लेकिन आप लोग सब जो है वो हमेशा चुप बैठे रहते हो, मैं आज फिर यहाँ फिर निगाह मोहम्मद के शो में बैठ कर फिर चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे वो एमएमए हो, किक बॉक्सिंग हो, कराटे मार्शल आर्ट कोई भी हो, मैं आज भी यही बात कर रहा हूँ कि मैं रेडी हूँ, आप मेरे साथ रिंग में आओ, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर आप कहते हो रेसलिंग फेक है तो ठीक है मैं फेक कर लूंगा, आप रियल कर तो आप रियल करना, दैट्स इट, हो गया, अब कोई आ जाए मैं इंतजार करूंगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये बिल्कुल वाकई में जी जॉर्डन जो है वो बिल्कुल सही कहते हैं कि आपको लगता है कि फेक है तो आपको लगता है इसमें इनकी गलती नहीं है, आपने बस ये आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपको आना चाहिए, दूसरी बात नहीं है, कुछ दूसरी बात होनी नहीं चाहिए, बस आपको चैलेंज किया, आपने चैलेंज या तो एक्सेप्ट किया तो उसको डिक्लाइन किया है, अगर आप नहीं जाते तो इसका मतलब आपने डिक्लाइन किया है, दूसरी बात कोई करने की है नहीं इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ है ना थोड़ा सा फीमेल्स के बारे में बताएंगी कि अगर कोई आना चाहता है तो उसको क्या तरीकेकार हैं, क्या वेज हैं जो उसको अपनाने पड़ेंगे कि इस तरीके से वो इस रेसलिंग में आ सकता है, आपने भी वो तरीकेकार अपनाए होंगे जाहिर सी बात है, तो आप अब यहाँ पर आ गई हैं ताकि वो आपसे थोड़ा सा कुछ सीख लें दूसरी वीमेन। मुझे तो खैर इतनी डिफ़िकल्टीज इस तरह से नहीं हुई कि मैं ऑलरेडी फ़ैन थी, तो फैन पेज पे था, कांटेक्ट मेरा बना, तो फिर उसके बाद पहले ये हुआ कि कर सकती हो कि नहीं कर सकती, तो उस तरह से जॉर्डन के साथ मेरा हो गया। हाँ, अगर कोई और आना चाहता है तो वो आके कॉन्टैक्ट कर सकता है, अभी तो कोई ऐसा ग्राउंड है नहीं, बेसिकली कोई ऐसा मैं बता नहीं सकती है कोई ग्राउंड है, तो अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो बिल्कुल आके हमसे कर ले कॉन्टैक्ट, के हमने सीखना है या हमने करना है या कोई चैलेंज है जो भी है, तो जॉर्डन है तो आप या फिर आपका चैनल के थ्रू वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बिल्कुल, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग जो है बेसिकली एक वाकई में जो है रेवोल्यूशन लेके आ रही है रेसलिंग में, यानी कि अब जब गर्ल्स आएंगी तो ये एक रेवोल्यूशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए, लड़कियाँ भी रेसलिंग कर रही हैं, तो REW से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए पर्सनल ट्रेनिंग मैं करा रहा हूँ अभी, मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हम ट्रेन करेंगे, आपको रेसलिंग सिखाएंगे, आपको फिजिकल फिटनेस हम कराएंगे, आपका स्टैमिना बिल्डअप कराएंगे, आपका स्ट्रेंथ हम कराएंगे, पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, सिर्फ डाइट प्लान आपको जो है वो करना पड़ेगा, बाकी जिम्मेदारी हमारी, हम आपको ऐसा कर देंगे अगर आपको वेट कम करना है हम वेट भी कम करा देंगे, आप जिम जाके ज़्यादा पसीने निकालते हैं उससे कम पसीने निकलवा के आपको परफेक्ट बॉडी शेप के साथ स्किल्स भी देंगे। परफेक्ट परफेक्ट, और अपकमिंग डेज में जो कंपटीशन होंगे उसमें हम देखेंगे कि फीमेल भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और कंपटीशन उनका भी हो रहा है, उनकी भी फाइट है, ऐसा है, प्लान है कुछ? बिल्कुल, देखें प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे हैं और एक एक इब्तिदा तो हो गई है ऐना की सूरत में, तो ऐना का मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऐना के सामने आती कौन है, और मैं इंतजार करूंगा किसी कोई ऐसी ओपोनेंट उठ के आए जिसके अंदर इतना ही पैशन इतना ही एग्रेशन हो या इससे 1% ज्यादा हो तो मैं समझूंगा कि इसको बीट कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसने तो अपना पैशन दिखा दिया कितना इसका था, अब इससे ज्यादा का ही कोई आएगा जो इसको बीट करेगा तो फिर हम रिंग में छोड़ेंगे इनको, इनका रेसलिंग कराएंगे ऑब्वियसली।
ट्रेन कराएंगे, तैयार कराएंगे दोनों को ईमानदारी के साथ, फिर इनका मैच कराएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, है ना। इसके साथ साथ क्योंकि फीमेल लड़कियां जो होती हैं वो बड़ी एक अपनी बड़ी सेंसिटिव होती हैं अपनी स्किन को लेके और कुछ चीज़ों को लेके, तो आपको नहीं लगता कि वह कहीं पंच वंच लग जाएगा, कहीं पे इंजरी वगैरह हो गई, कहीं कट वट लग गया तो फेस का लुक खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ है दिमाग में? हाँ नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही रफ एंड टफ हूँ, तो मुझे कोई इतनी स्किन केयर की नहीं है। पर्सनली मैं मतलब मेरी जो फील्ड है मैं ब्यूटिशियन हूँ बाय प्रोफेशन, और साथ में ये है कि स्टडीज भी करती हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरा फेस लुक खराब हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों का हुस्न तो अल्लाह ताला ने कुदरती दे दिया ना। तो अब अगर कोई मार्क लगता है तो ये आपकी जो है ये आपके लिए प्राउड है कि आपने कोई मेहनत की है, तो वो दिख रहा है। बनिस्बत इसके कि आप किसी से पिटके आ जाओ वो बुरा लगता है कि फिर हम ना छुपाते हैं कि किसी ने मार दिया या कुछ हो गया, लेकिन जो आप प्राउडली कोई मेहनत करते हैं उसके बाद आपके मार्क्स आए तो वो तो फिर आपके लिए प्राउड होता है, तो आप सबको दिखाएंगे कि यार ये चीज़ हुई थी। लाइक जैसे मेरे भी होता है कभी तो मैं घर जाके बोलती कि ये हो गया, तो कहते हैं अच्छा ठीक करो शौक है करो। अच्छा वैसे आपने कहा कि आप ब्यूटिशियन हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपको तो कोई कट वट लगेगा, आप वैसे ही उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर मेकओवर कर लेंगे शायद। वो तो वो हो ही जाता है मेकअप से, लेकिन कितनी देर तक होता है मेकअप भी तो परमानेंट नहीं होता ना, तो आप थोड़ी देर के लिए तो कर सकते हैं लेकिन वैसे तो उसका कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है। सही 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 सही, चलें आप दोनों का क्या कहते हैं जॉर्डन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप शो का हिस्सा बने। लास्ट में आप कुछ बोलना चाहें? बस यही है कि आज का जो एप्पल ऑफ द आई था वो ऐना थे, ठीक एना को हमने लॉन्च किया एज ए प्रोफेशनल रेसलर, फीमेल प्रोफेशनल रेसलर, और जो है इंशाल्लाह इनका डेब्यू होने वाले अंडर ट्रेनिंग है, बहुत जल्द आप देखेंगे इनको परफॉर्म करते हुए। और मैं चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान से जितनी फीमेल्स हैं अगर वो रेसलिंग में एंटर होना चाहती हैं, शौक है, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करें तो हम प्लेटफॉर्म देंगे आपको। परफेक्ट एना, आप कुछ बोलना चाहें लास्ट में? मैं भी यही बोलूँगी कि लड़कियों को मोटिवेट करें बाहर निकलने के लिए, रेसलिंग इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं, फीमेल्स रेसलर आएंगी मुल्क का नाम होगा, जैसे और स्पोर्ट्स पे है रेसलिंग को भी हम अप लेके जाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करें अपनी फैमिलीज, मतलब अपनी लड़कियों को बाहर भेजें तो अच्छा है उनके लिए भी और आपके लिए भी, कि उनकी सेफ्टी भी होगी, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगे, उनका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल इसी नोट से क्या कहते हैं प्रोग्राम का एंड करेंगे। जैसे कि एना ने कहा कि हमारी वेमेंस जो हैं, फीमेल जो हैं, लड़कियां जो हैं, चाहे वो किसी भी इलाके की हों, किसी भी घर की हों, किसी भी शहर की हों, पाकिस्तान की अगर हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मिलकर मेरे ख्याल से थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने अपनी सोसाइटी को सिर्फ एक मेल डोमिनेट सोसाइटी बनाया हुआ है, जो कि सही नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि 50% और 49% का अगर आपका रेशियो है तो अगर आप खुद अंदाज़ा कर लें, अगर 50% या 49% आपकी आबादी जो है वो घर में बैठी रहेगी, कुछ उसके पास स्किल्स नहीं होंगी, कुछ ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, तो वो फिर आप लोगों पे बोझ ही बनेंगी। और ये बिल्कुल सही है, इनको हर चीज़ में फीमेल को आगे आना चाहिए, रेसलिंग में अगर वो आना चाहती हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। और इसके साथ साथ थोड़ी सी परमिशन वाला जो एंगल है वो घर में माँ बाप को खुद देखना चाहिए कि उनकी लड़की क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, जो वो करना चाहती है उसमें उनको फ्रीडम दें थोड़ा सा, तो वो आपके लिए प्राउड का ही सबब बनेंगी। बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो अनफॉर्चुनेट कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या कहते हैं लड़कियां भी, वेमेन भी ये चाहती हैं कि वो भी अपने माँ बाप का सर फखर से बुलंद करें, और फिर माँ बाप के साथ साथ जब यही लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाके पाकिस्तान का परचम बुलंद करेंगे तो फिर वो ना सिर्फ माँ बाप बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा। तो होप कि हमारी जितने भी लोग देखने वाले हैं, पेरेंट्स देखने वाले हैं, वो इस चीज़ में नोटिस लेंगे और अपनी घर में जो भी उनके क्या कहते हैं फीमेल हैं, लड़कियां हैं, उनको मोटिवेट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहती हैं, तो उनको थोड़ा सा उस पर पुशबैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो कि उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।